नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रौनक मीडिया। रौनक मीडिया में मैं सत्यप्रकाश। आज आपको ओखला के पास मजदूर कल्याण कैंप है, वहाँ की झुग्गियों के बारे में बताएंगे और वहाँ के झुग्गी में लोगों को क्या परेशानी हो रहा है उसके बारे में आइए जानते हैं उन्हीं के जबानी। झुग्गी में जे छै से अहाँ मतलब कि कोन से समस्या से जूझ रहलिए हैं? मतलब सरकार की वादा करलक अहाँ से, मतलब कि पूरा नहीं करलक से बतइयो। सरकार तो यो कल के घर घर पाइप देवे सेहो नहीं दलके। सप्लाई का पानी आएगा जुगी में वो नहीं अले। हाँ आ की कहे वो नहीं अले। बोरिंग का पानी तो हवा अटके तटके तावे से चलू। यो ई त दिया पुता का महिमा छे जे कोना कोना भ जाय छे। हां ओ कहे चाहे पाइप लगा कहे जेना हो भ जाय छे। ओकर बाद की कहे छे कूड़ा के ढेर भ जाय छे। 50 बेर कंप्लेन करे छे तब एक बेर आवे छे। अच्छा, पानी यहाँ मिले है टाइम से? पानी मोटर का पानी है, पाइप लगा के भरे सप्लाई पानी बिल्कुल नहीं। कत नाना गांव से ढोकर आने दोसर कैंप से। और की सही बात है, और की पिए वाला पानी बहुत बहुत दूर से लावे छे। कोई फेस वन से आने छे जो गाड़ी घोड़ा जात रहे छे, एक्सीडेंट में मर जावे। सरकार के की जते जते की छो तो सरकार से अहाँ की उम्मीद है? अगला जो इलेक्शन अतः और हम की उम्मीद है कि अहाँ के मिलक चाहिए? हमरा सबके पानी के सुविधा चाहिए और जे हमरा सबके अथी छे वह ना चाहिए। से को तोरियन शौचालय चाहिए, पानी चाहिए। ये सब बेसिक सुविधा मतलब कि झुग्गी में नहीं है? नहीं, ये सब चाहिए अहाँ के। छठ के लिए घाट रिकवरी छठ जना हम सब करे छे। मान लिया देखो कम सब कैंप में पक्का बनल छे ना, हमरो के कैंप में एगो बना देते पक्का। मतलब कि जे नेता एलखिन रहे वादा करके गलखिन लेकिन वापस नहीं 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 कही नहीं। तो उनका वोट दबे कि नहीं दबे अहाँ? अब जैसे तब खा जाते यो समय तो आ गेले, अब 6 महीना बचल है। हम पहले पहले आगे का समस्या पहले अधि करो ना, तब ना ये पीछे के देखा जाता है। पाइपलाइन घिस तो गया लेकिन इसको दोबारा ढका नहीं जाएगा। देखो इससे कितने लोग गिरते हैं, नाली में कूड़ा साफ नहीं हो पाता, इसी वजह से दिल्ली का रोड का पाइपलाइन बिछा हुआ है यहाँ पे। मतलब पाइपलाइन तो बिछा दिया गया है लेकिन ढका नहीं गया, ढका नहीं गया। बहुत से लोगों ने अपने घर के आगे ढक दिया, इसका बहुत लोग कंप्लेन भी हुआ। क्या इतना पानी नहीं आता तो फायदा क्या है इससे लगाने? पानी नहीं आ रहा है तो क्या करे, क्या फायदा? खुदवा के डाले गए तो इसकी कोई तंत्र नहीं। 1500 रुपया लगा के मैंने ये यहाँ की रास्ता दबाई है, ए, क्या फायदा है बेटा ऐसे काम से? सबसे ज्यादा जो नाली की समस्या है, और जगह जो खुदाई हो गई, मैंने 1500 रुपये अपनी जेब से लगाए। बोला हम गरीब आदमी कहाँ से लाए, वोट लेने के लिए आ जाते हैं वोटर वाले, हमारे पास कितनी समस्या आएंगी। पेंशन वो भी हमारी बंद हो गई। समस्या एक बताए आपको, बड़े बूढ़े को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जान जमाने इतने की बनी, हमारी पेंशन भी खत्म। टोटी देखने के लिए इनमें पानी नहीं आता, वोट लेने के लिए चलो भाई और जाते हैं हम वोट देने को। कभी ये नहीं कि वोट नहीं दिए हमने बेटा, नहीं चला जाता तो भी। अब देखो ये सरिया पड़ी है पैर में, टूटा है पैर मेरा। वोट कभी भी मैं ये नहीं भाई मेरे पर नहीं चला गया, जब भी मैं वोट देने गई हूँ। ठीक है, सरकार से ये अपील है कि यहाँ पे मतलब कि जो नाली उली का समस्या है वो समाधान किया जाए। समाधान किया जाए हमारे लिए है, नाली आली की समस्या है। देखो वो तुरवा दिया नाली और खसक के इधर को आ गई। अच्छा अच्छा, तुरवाया था ना मशीन से तो नाली खसक के आ गई। यहाँ झाड़ू भी नहीं लगती थी बेटा। अच्छा। तब तो मैंने 1500 रुपया लगा के और जहाँ से वहाँ लोग प्लस्तर करवाया। मैंने इतनी ताकत नहीं है जो सब पे करवाऊ। मतलब यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि पानी की घनघोर समस्या है, क्योंकि हर घर के आगे टैंक देख रहे हैं हम। हाँ, हर घर के आगे लोग अपना रिजर्व में पानी रखते हैं, 200 लीटर का ड्राम, 500 लीटर का। ये देख रहे हैं ये छोटी छोटी मतलब कि ड्राम भरे पड़े हैं यहाँ पे। पैंप जो डाला है आज तक प्लास्टर नहीं है। हम लोग
अपने आप ये जो है पक्का करवा के और ऑटोमेटिक आप जहाँ तक देख सकते हो कि जो जिस जिस के आगे है आज तक खुदाई करके चला गया, क्योंकि हम लोग नहीं खोजने दे रहे थे कि हमें पाइप पानी की जरूरत नहीं है, हम लोग का है, लेकिन जबरदस्ती खोद के गए, ठीक है। उसके बाद बोले कि मैं 2 महीने के अंदर इसको पक्का करवाऊंगा, आज तक ये पक्का नहीं हुआ और ये समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। और सफाई साफ सफाई में कोई भी नहीं आ रहा, आप आगे जाके देख सकते हैं, जो भी बंदा सफाई करता है नाली से कोई एक भी कूड़ा कचरा उठाने भी कोई नहीं आता। इसका कंप्लेंट आपने कहाँ कहाँ किया है? हमारे प्रधान जी हैं, वो भी 2-3 बार गए, हमारे पड़ोसी हैं, हम तो खैर ड्यूटी में रहते हैं, सुबह जाते हैं रात को 10 बजे, तो पड़ोसी सब जब गटर उटर भी जाम होता है तो कितने बार जाके कहना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जब 100 बार जाने के बाद 1 बार काम होता है, ठीक है। नाली तो है नहीं, बिल्कुल ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा दिक्कत होता है, जब सीवर बंद हो जाता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत हम लोग को होती है, 4 घर को पानी निकलने की कोई जगह नहीं है, सबने अपने अपने जगह को ऊंचा कर लिया है। बरसात में क्या यहाँ पे पानी भी जमता है? बहुत ज्यादा, बहुत होता है, सबसे ज्यादा जमता है ना बरसात में पानी, गटर ये फुल हो जाता है, ऊपर से गंदगी निकल जाती है, उससे बहता रहता है रोड पे। साईराम जी एक बार आए भी थे यहाँ, बोले ये लाइन जो है क्लियर होगा, तो अब बंदा आता है उसे कूड़ा निकाल के और चला जाता है, नाली बना ही नहीं, कंपनी वाले अपना इसका तो खुद आके बहुत ज्यादा दिक्कत है, देख रहे हैं गंदगी कितनी है, ज्यादा गंदगी इधर ही है, हम लोग ये दिन में 4-5 बार सफाई करते तब जाके होता है, झाड़ू लगाने वाला चाहे नाली साफ करने वाला इधर कोई नहीं आता, इधर की पूरी नालियां जाम है, छोटे छोटे बच्चे किसी कोई मतलब नहीं है, वोट लेने के लिए सारे नेता आते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, सब खाली वोट लेने के लिए आते, इस बार वोट भी फौजी समझ के देंगे, हर किसी को देना भी नहीं है। अच्छा, जब सारी सरकार ऐसे ही कर रही है तब किसको वोट करेंगे? झाड़ू नहीं लगाने आते है कभी इस गली में, हम लोग अपना पैसा लगा के साफ कराते है, अपना पैसा लगा के झाड़ू लगवाते है, वोट तो करते हैं लेकिन फिर मतलब कि उस टाइम पे करते हैं तो वोट लेकर अपना घर बैठ जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं नेता प्रधान कोई नहीं, फिर उनसे पूछते नहीं कि मतलब आप तो वोट लिए थे लेकिन फिर वोट लेते घर आते हैं थरिया झाल बजाती, अब वोट लिया हो जाता तो छिप जाता, कहीं दिखाई नहीं देता है, मिलता ही नहीं है, कहाँ ढूंढो उनको, तो उनसे आप क्या कहना चाहते? जाओ तो वो कहेगा कि यहाँ है ही नहीं, उनको जो कस्टमर होता है वो कहेगा कि यहाँ पर है ही नहीं, कहीं गया है पलासन गया, तो उतना टाइम किसको है, रोटी पानी छोड़ के बच्चे के सेवा छोड़ के कपड़ा लत्ता छोड़ के जाएंगे बार बार नेता प्रधान का, गली में कम से कम एक झाड़ू लगाने वाले को एक नाली साफ करने वाले को कम से कम एक देना चाहिए, कभी आते नहीं, देखो समस्या आपके सामने देखी है, नाली फूटी आज तक नाली बनी नहीं, वोट देकर जिताए हमने उनको, हमारा काम होगा आज तक कोई काम हम लोग का नहीं हुआ, यही समस्या है, नाली के सफाई कर्मी का महीना का 6-6 महीने तक नहीं आते हैं, कोई मतलब नहीं है, हमने तो कंप्लेन करते हैं किसी से, कंप्लेन कई बार कर ले तो हम लोग कहाँ जाए, हम लोग जाते पहलवान जी के पास, पहलवान जी कहते हैं उनके पास जाओ, उनका कोई दफ्तर देखा नहीं, कहाँ बैठते हैं कहाँ नहीं बैठते हैं, हम कहना चाहते हैं कि नाली की साफ समस्या दूर हो जाए, जो है कि गली देखे इंसान ने थोड़ी खुली है, अभी तक कोई गली बनी नहीं, सारी गली ऐसे ही पड़ी है, निकालते हैं डर लगा आ जाते हैं, कीड़ा भी निकल रहा है इधर, ये ना गंदगी की समस्या और पानी की ज्यादा समस्या है, तो सरकार जो वादा करके गया था कुछ भी नहीं निभाया, नहीं कुछ नहीं निभाया, ये और खड्डे और कर दिए जगह जगह, इसमें पानी आता ही नहीं है, वो बीच में बंद करके बाहर लगा देते हैं, उधर से भरते रहते हैं, इधर का तो कभी कभार आता है पानी, इधर झाड़ू वाला भी नहीं आता, नाली वाला आता कोई नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे गड्ढे कर दिए, देखो कितना गड्ढे हो रहे हैं, हेलो, मेरा नाम बलराम झा है, मेरे पापा यहाँ पे 20 साल से रहते हैं, मजदूर कल्याण का मोगला फेस्टू में ही रोड पे पान की दुकान करते हैं,
और हम दो भाई हैं, हम दोनों भाई इस टाइम पे सीए फाइनल में, दो भाई हैं, दोनों पापा हमारी पान की दुकान करते हैं और मम्मी जो है घर में रहती है, हाउस वाइफ है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार दरभंगा जिला का रहने वाला हूँ। लेकिन आप झुग्गी में क्यों रह रहे हैं? झुग्गी में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हमारे पापा की इतनी इनकम नहीं है कि हम दूसरे जगह जाके किराए पे रह सके। यहाँ पे हम रहते हैं इसलिए क्योंकि हमारे पापा की एक तो इनकम नहीं है ज्यादा, ऊपर से हमारे पापा 20 साल से यहीं पे रहते आए हैं शुरू से। अब हम कमा रहे हैं, अब कुछ दिनों बाद हमारे दोनों भाई कमाएंगे, हमारी कुछ इनकम बढ़ेगी तो हम दूसरे जगह जाके भी रूम लेके रह सकते हैं, जैसे गोविंदपुरी तुगलकाबाद एरिया में। लेकिन अभी हमारी स्थिति ये नहीं है कि हम यहाँ से दूसरी जगह जाके किराए पे रह सके। पिछले 6 साल से हम अपने झुग्गी के लिए काम कर रहे थे, मतलब कि काम करने का मतलब यह है कि हम नेताओं के पीछे जुड़े हुए थे, नेता के साथ जो हमारे झुग्गी का कुछ काम हो, झुग्गी का कुछ काम हो। नेता बोलते थे इस बार विधायक बना दो, तो अगली बार चलो विधायक बना दिया, फिर बोलते थे कि एक बार निगम पार्षद बना दो तो ये काम हो जाएगा। हम शौचालय के लिए, गलियों में पाइपलाइन के लिए बहुत दौड़ भाग किया हमने, क्योंकि हम सोचे चलो हम एजुकेटेड है थोड़े, हम जाके लेटर लिखेंगे, हम जाके डिपार्टमेंट्स में जाएंगे तो हमारा कुछ काम होगा। लेकिन हमने पिछले 6 साल से, हम 6-7 लड़के हैं हमारे साथ, जाके देख लिया, नेताओं के पीछे चक्कर लगा के देख लिया, लेकिन हमारा कोई भी काम अब तक नहीं हुआ है। हमारी मजबूरी है यहाँ पे रहना, अब इसलिए रहना पड़ रहा है। इलेक्शन के टाइम में बोलना है कि हाँ इलेक्शन जिता दो फिर काम करवा देंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद नेता झांकने तक नहीं आता, देखने तक नहीं आता कि जहां मैं वोट मांगने गया था वहां की स्थिति अब क्या है। हाँ इलेक्शन आने वाला है, अब इलेक्शन में पहली बात तो यह है कि हम पहले तो विरोध करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी नेता आके हमारे मोहल्ले में, हमारे कैंप में आके मीटिंग ना करे। हम पहले तो कोशिश करेंगे विरोध करें, लेकिन लास्ट में यह है कि हमारा वोट देना हमारा अधिकार है तो हम अपना अधिकार का उपयोग करेंगे, जो कि हमें अब किसी आदमी को देके, किसी पार्टी को देके वोटिंग नहीं करना, जो अच्छा इंसान लगे उसको इंसानियत के ऊपर वोट करना, चाहे वो जीते या हारे। हाँ विरोध में है हम, कुछ लोग है, होते ही हर जगह की समस्या है तो कि विरोध होता है, लेकिन विरोध वाला अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं, जो भी हमसे होता है हम करने की कोशिश करते हैं। अपने लेवल पे भी हम RTI लगाते हैं, बहुत सी कोशिश करते हैं, लेकिन जो हो पाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तो बस छोड़ देते हैं, क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। यदि कोई समस्या होती है और समस्या को लेकर हम बोलते हैं चलो नेता के पास, चलो यहाँ कंप्लेन करने के लिए, हमारे साथ लोग जुड़े होते हैं, हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि एक सिर्फ मैं ही या दो आदमी परेशान नहीं है, परेशान सब लोग है, तो अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं वहाँ पे नेता के पास, बोलते भी हैं, एप्लीकेशन देते हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान नहीं होता है। बस वो नेता एक बार जीतने के बाद फिर इलेक्शन टाइम में ही आएगा दोबारा, उससे पहले नहीं, झांकने भी नहीं आता। जैसे कि साफ सफाई की समस्या होती है तो साफ सफाई के लिए हम SDMC में कंप्लेन डालते हैं, मेल भी लिखते हैं, उसके अलावा अपने निगम पार्षद के ऑफिस में और जगह जगह आपने देखा होगा कि बोर्ड लगा रखा है नीला कलर का, उस पर लिखा हुआ है सफाई आयुक्त, सफाई कर्मचारी, इसके नंबर लिखे हुए हैं, सबको कंप्लेन करते हैं। लेकिन होता यह है यदि आप 15 दिन में एक बार कंप्लेन करोगे तो उस टाइम पे आपका जो है सफाई हो जाएगा, ऊपर से आके वो भी नाली से निकालेंगे, नाली से निकाल के ऊपर रख देंगे बाहर, उसके बाद फिर वो 1 महीने के बाद, मतलब ये कहने का यदि आप रोज रोज कंप्लेन डालो, रोज रोज हर इसमें लगे रहो तो काम होगा, पीछे पड़े रहो, आपने 10 दिन बाद 15 दिन बाद कंप्लेन किया तभी काम होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा। वो भी कंप्लेन जो है वो भी सही अधिकारी को करना पड़ता है, ये जो यहाँ के कर्मचारी है या निगम पार्षद जब तक का कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। सरकार तक का ये मैसेज हम ये पहुँचाना चाहेंगे कि जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे शौचालय की है, शौचालय का उद्घाटन नाम के लिए 3 बार उद्घाटन हो चुका है उस जगह का जो यहाँ पे शौचालय बनेगा, इस बार बस जीजा इलेक्शन से 1 महीने पहले उसका उद्घाटन हो जाता है, 3 बार हुआ है ऐसा मेरे सामने, और इलेक्शन के बाद उसे बोल देते हैं कि अरे ये निगम पार्षद यदि उद्घाटन करके जाता है तो निगम पार्षद बोलता है ये दिल्ली सरकार के अंदर आता है, एक बार विधायक बना दो फिर हो जाएगा ये। जब विधायक उद्घाटन करके गया एक बार तो विधायक ने बोला कि इस बार जिता दो, विधायक जीत भी गया, फिर बोला ये निगम पार्षद के अंदर गया आता है, जबकि ये एरिया जो पूरा है वो DDA के अंदर आता है, DDA की जमीन है ये सारी खाली, जिस पे ये कब्जा हो रहा है अभी। लेकिन वही है कि लोग, नेता जो है वो गरीब लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वाले वासियों को समझते हैं, इनको जानकारी नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है ये क्या है, इनको जो बोल देंगे वो समझ में आ जाएगा। सरकार को हम यही कहना चाहते हैं कि जो हमारी झुग्गी झोपड़ी या जीजे क्लस्टर एरिया है, इसमें जिसकी भी सफाई की या जिसकी भी देखरेख की जिम्मेदारी है वो अपना काम करे सही ढंग से। हमारी झुग्गी जो मेन रोड के बिल्कुल सामने है, लेकिन यहाँ से दिन दहाड़े भी बाइक चोरी हो जाती है। दिन में अभी 10 दिन पहले एक बाइक चोरी हो गई, उसके बाद अभी फिर 2 दिन पहले एक बाइक चोरी हो गई, मतलब मंदिर हमारा रोड पे बिल्कुल, लेकिन रोड के सामने में दिन में 9 बजे के टाइम पे बाइक चोरी हो गई, और एक बाइक जो है वो रात के टाइम पे 12 से 1 बजे के बीच में एक बाइक चोरी हुई। गर्मियों में सबसे बड़ी परेशानी ये है यहाँ पे कि पानी नहीं आता, गलियों में पाइपलाइन तो बिछ गया है लेकिन उस टोटियों में पानी नहीं आता है, क्योंकि सरकार ने कनेक्शन ही नहीं दिया, उसमें बिछाया गया था कि इसमें सप्लाई का पानी आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे यहाँ पे पीने के पानी की है।
पीने का पानी नहीं आता है बिल्कुल भी, और गर्मियों में तो इसकी बहुत दिक्कत होती है, बहुत मतलब लोगों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, एक एक किलोमीटर तक, आधा आधा किलोमीटर तक हमारी मोहल्ले की महिलाओं को जाना पड़ता है, क्योंकि जो पुरुष है वो तो अपने यहाँ कमाने चले जाते हैं, ड्यूटियों पर चले जाते हैं, महिलाओं को बच्चों को बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। हमारे फेसबुक में पानी आता है सप्लाई का, वहाँ भी लोगों को इतना रोड चालू हो गया है ये, तब भी रोड पार करके जाना पड़ता है। बरसात में क्या परेशानी? बरसात में ये कि जैसे गलियों में गड्ढे हैं, गलियों में आज से 2-3 साल पहले हुआ था, फर्श हो गया था पूरी गलियों में, प्लस्तर हो गया था, लेकिन फिर दिल्ली जल बोर्ड का पाइपलाइन बिछा और पाइपलाइन की वजह से जहां जहां गड्ढे हुए वहां पे दिल्ली जल बोर्ड वाले उसको ढक के नहीं गए, इसकी वजह से जब भी बरसात होता है तो उस गड्ढों में पानी जम जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो गलियों में ही खेलते रहते हैं, उससे बीमारियां बढ़ने का चांस रहता है, बीमार होते हैं बच्चे, हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। मोहल्ला क्लिनिक है यहाँ पे? हमारे आसपास कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है, डिस्पेंसरी हमारा सबसे नजदीक पड़ता है कालकाजी में, लेकिन कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। तो कालकाजी में क्या आपको सुविधा दिया जाता है? कालकाजी में जाते हैं तो हाँ इलाज हो जाता है, तो यहाँ पे जैसे कोई इमरजेंसी केस हुआ तो इमरजेंसी में हमें एम्स या सफदरजंग ही जाना पड़ता है।